ट्रैवल क्या होता है ट्रैवल का मतलब व्हेन यू गो आउट जहाँ आप यूजुअली रहते उससे उससे अलग हटके वेन यू गो आउट ऑफ योर सिटी व्हेन यू गो आउट ऑफ योर कंट्री एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, मीट न्यू प्लेसेज दैट इज ट्रैवल राइट सो यहाँ पे जो हमारी पोइट है शी हैज़ अ डिजायर शी हैज़ अ लॉन्गिंग डिजायर फॉर ट्रैवल मतलब उनका बहुत ज़्यादा मन है ट्रैवल करने का और ये जो ट्रैवल वो कर रही हैं वो करना चाहती हैं उसी पे बेस्ड उन्होंने अपनी पोम लिखी है जिसमें वो अपने डिज़ायर को बता रही है कि कितनी ज़्यादा उनके डिज़ायर है कि ट्रेन है भी नहीं लेकिन उनको उसकी आवाज़ आ रही है और प्लेटफॉर्म है लेकिन कभी वो गई नहीं है लेकिन वो जाना चाहती हैं जो उनके पास है सब कुछ बहुत अच्छा है पर उसके बाद भी वो नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहती है नए लोगों से मिलना चाहती है सो और ये बहुत सारे लोगों की फीलिंग होती है आपका भी मन करता होगा ट्रैवल करने का आई लव टू ट्रैवल सो नाउ हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू फर्स्ट वी विल स्टार्ट नोइंग पोएट पोएट द द नेम ऑफ इज एडना सेंट विंसेंट मिले पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद एडना सेंट विंसेंट मिले वॉज द मोस्ट फेमस एंड सक्सेसफुल पोएट्स इन अमेरिका तो ये जो थी ये अमेरिका की मोस्ट सक्सेसफुल प्लस मोस्ट फेमस पोएट थी पोएटिस थी शी वन दुलट्सर प्राइज फॉर हर पोइट्री और इनको अपनी पोइट्री के लिए पुलिटर प्राइज भी मिला गया था और पुलिटर प्रा, प्राइज़ जो है वो एक बहुत ही ज्यादा रिनाउंड प्राइज है वन इट कम्स टू द फील्ड ऑफ पोइट्री हर वर्क रिलेटेड रिफ्लेक्टेड बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री उनका जो काम था उसमें इट्स नॉट ओनली लाइक कि वो ट्रेडिशनल पोएट पोएट्स पोम्स लिखती थी ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों की झलक थी उसमें दिस पोम इज अबाउट अ डीप लॉन्गिंग टू ट्रैवल एंड अ डिज़ायर टू गो आउट एंड सी द वर्ल्ड और ये जो पोम है दिस इज ऑल अबाउट अ डीप लॉन्गिंग टू ट्रैवल मतलब जब बहुत ज्यादा मन करता है ट्रैवल करने का एंड अ डिज़ायर मतलब और एक इच्छा टू गो आउट एंड सी द वर्ल्ड मतलब जहाँ आप रहते हो आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के बाहर जाओ लोगों से मिलो दुनिया देखने की उनकी इच्छा है नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ पोम The the track is is miles away, and the day day, loud with voices speaking. Yet there isn't a train goes by all day, but I hear its whistle shrieking. अब वो बता रही है पोइट कि जो रेल रोड ट्रैक है वो मीलो दूर है मतलब जो रेलवे लाइन है जो पटरी है वो मीलो दूर है एंड द डे डे इज़ लाउड विथ वॉइस स्पीकिंग और दिन जो है जैसे नॉर्मल डे होता है वैसा ही है कहीं से सब्जी वाले का शोध आ रहा है कहीं गाड़ियों का शोध आ रहा है घर में लोग बात कर रहे हैं आपस आप आस, आ, मतलब आस पास सारे लोग बात कर रहे हैं तो द डे इज लाउड विथ वॉइस स्पीकिंग का मतलब होता है दैट द लाउड क्लैटर ऑफ पीपल फिल्स द डे टाइम मतलब जो लोगों की आवाज़ है उससे क्या है दिन भर चहल पहल लगी हुई है यह डेजिजेंट ट्रेन गोज बाई ऑल डे और दिन भर कोई ट्रेन उस रेलवे ट्रैक पर नहीं जाती है बट आई हेयर इट्स विकिंग बट उसके बाद भी कोई ट्रेन नहीं है लेकिन उसके बाद भी मुझे ट्रेन की जो सीटी होती है ट्रेन की जो विसल होती है वो चीखती हुई सुनाई पड़ रही है श्रीकिंग का मतलब क्या होता है मेकिंग loud, हाई pitched क्राई तो मुझे जो है ट्रेन की विसल सुनाई दे रही है देर इज नो ट्रेन और जो रेलवे लाइन है वो मिलो दूर है उसके बाद भी मुझे ट्रेन की आवाज़ आ रही है ऑल नाइट डेर ट्रेन गोज बाय दो द नाइट इज स्टिल फॉर स्लीप एंड ड्रीमिंग But I see its cinders red बट आई सी इट्स रेड ऑन दई एंड अब वो यहाँ पे बता रही हैं train goes by. रात भर भी वहाँ पे कोई ट्रेन नहीं जाती है उस रेलवे लाइन से कोई ट्रेन हो के नहीं गुजरती do the night is still for sleep and dreaming, जो रात होती है वो उसमें ठहराव होता है इट इज स्टिल मतलब एक तरीके से वो रुक जाती है जहाँ क्यों क्योंकि सब लोग जो है उस वक्त सोते हैं ताकि वो अपनी एक बेटर लाइफ को ड्रीम कर सकें बट आई सी इट्स सिंडर्स रेड ऑन द स्काई लेकिन उसके बाद भी मुझे जो उसके सिंडर्स हैं सिंडर मतलब क्या होता है जैसे स्टीम इंजन्स होती हैं तो उसमें कोयले से वो लोग उसको जलाते हैं तो जब कोयले को या किसी भी आप वुड पीस को जलाते हो तो जब वो जल जाता है उसके बाद वो रेड रेड कलर का दिखने लग जाता है जिसमें आश दिखता है उसे सिंडर कहते हैं सो बट आई सी इट्स सिंडर्स रेड ऑन द स्का रेड ऑन द स्काई इसका मतलब जैसे सिंडल जो है वो जलता है तो वो ग्लो करता है रेड कलर का एज दे बर्न तो उनको जो है स्मोक के फॉर्म में उसके जो सिंडर्स हैं वो उनको दिखाई दे रहे हैं जबकि देर इज़ नो ट्रेन माई हार्ट इज वम विथ द फ्रेंड्स आई मेक मतलब मेरे मेरा दिल जो है वो बहुत खुश है माय हार्ट इज़ वम मतलब मेरे दिल में बहुत खुशी है विद द फ्रेंड्स आई मेक मतलब जो भी मेरे आसपास लोग हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे मैं बहुत खुश हूँ एंड बेटर फ्रेंड्स आई विल नॉट बी नोइंगेट देर इज एंट अ ट्रेन आई वु टेक नो मैटर वेयर इट इज़ गोइंग लेकिन और इससे अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं एंड बेटर फ्रेंड्स आई विल नॉट बी नोइंग लेकिन अगर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी तो मुझे नहीं पता कि मुझे और कितने बेटर फ्रेंड्स मिल सकते हैं लेकिन येट देर इजेंट अ ट्रेन आई वुड नॉट टेक लेकिन ऐसी कोई ट्रेन नहीं है जिसमें मैं बैठना नहीं चाहती ऐसी कोई ट्रेन नहीं है जिसको मैं नहीं लूँगी नो मैटर वेयर इट इज़ गोइंग मुझे नहीं मतलब है कि कोई ट्रेन कहाँ जा रही है उसका डेस्टिनेशन कहाँ है आई जस्ट वॉन्ट टू ट्रैवल आई जस्ट वॉन्ट टू गो फ्रॉम ह्योर आई जस्ट हैव अ डीप लॉन्गिंग टू गो एंड एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस एंड मीट न्यू पीपल ना दिस वॉज द एक्सप्लनेशन ऑफ आ पोम बेसिकली हम यहाँ क्या कह रहे हैं हम यहाँ बात कर रहे हैं दैट द पोइट इज ह्योर हैज़ अ डीप लॉन्गिंग टू ट्रैवल शी वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस एक्सप्लोर न्यू लाइक डेस्टिनेशंस उनको लोगों से मिलना है वो खुश हैं आज वो जिनके साथ हैं वो खुश हैं लेकिन उसके बाद भी वो नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं जो उन्होंने नहीं देखा है वो उस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहती हैं अब हम आते हैं इसकी समरी पर The poem begins with the speaker stating that from where she lives, there is a railroad track miles away. So poem ये जो poem start होती है इसमें speaker सबसे पहले क्या कहती हैं कि जहाँ वो रहती है वहाँ से काफी दूर जो है एक railway track है. It is a feature in her life that is constant. अब यहाँ जो वो railway track की बात कर रही हैं, in a way she is comparing it. क्या बोल रही हैं वो कि एक तरीके से उनकी life का एक ऐसा part है जो constant है जो कहीं नहीं जा रहा है. ऑल दो शी कैन नॉट फिजिकली सी एट एवरी मोमेंट अब वो जो रेलवे लाइन है वो बहुत दूर है मीलों दूर है विच मीन्स डैट वो उनको उस रेलवे लाइन को पूरे टाइम नहीं देख सकते इट इज़ ऑलवेज देयर वेइंग ऑन हर माइंड लेकिन वो रेलवे लाइन इज़ ऑलवेज देयर उनके दिमाग में वो रेलवे लाइन चलती रहती है एक तरीके से वो कॉन्स्टेंटली उनके दिमाग में वेट डाल रही है

शी कैन हेयर द साउंड इट मेक्स ऑल डे इवन ओवर द साउंड ऑफ द मेनी वॉइस अराउंड उनको वो जो ट्रेन है भी नहीं वहाँ पर उसकी आवाज़ आ रही है ओवर द सो मेनी साउंड ऑन अराउंडर आस पास इतनी आवाज़ें हैं इतना शोर है उसके बाद भी जो चीज़ नहीं है उनको उसकी आवाज़ क्लियरली आ रही है The speaker dreams about the train and pictures it perfectly as she sleeps. So यहाँ वो ये कह रही है कि जो रात होती है वो सोने के लिए होती है सपने देखने के लिए होती है उसमें भी what is she seeing? She can see the cinders in the sky जो उसमें clearly वो जो है train को देख सकती है

अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर में अब आपने देखा हुआ है दैट यू नो इट इज़ अ शॉर्ट थ्री स्टैंड पोम सो ट्रैवल बाय एडना सेंट विंसेंट मिले इज अ शॉर्ट थ्री स्टैंड पोम दैट इज डिवाइडेड इनटू सेट ऑफ फोर लाइंस और हर सेट में फोर फोर लाइंस हैं और कॉट्रेन्स अब ये जो फोर लाइन्स होती है इनको हम कहते हैं क्वार्रेन दी सेट्स ऑफ लाइन्स फॉलो दाइविंग पैटर्न ऑफ ए बी ए बी सी बी सी बी डी बी डी बी बेसिकली क्या है हर पोम में अगर आप हर स्टैंडा में देखोगे फर्स्ट और सेकेंड लास्ट लाइन सॉरी फर्स्ट और थर्ड लाइन राइम कर रही है सेकेंड और फोर्थ लाइन राइम कर रही है तो अगर आप पूरे इसमें देखोगे तो ए बी ए बी सी बी सी बी और डी बी डी बी मतलब जो सेकेंड लाइन का जो लास्ट सेकेंड और फोर्थ लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो तीनों ही स्टैंड में मैच कर रहा है ठीक है इसको हम एक बार पोम में देख लेते हैं वो ईजी रहेगा नाउ सबसे पहले हम जाइमिंग पैटर्न कैसे निकालते हैं लास्ट वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको अंडरलाइन कर लेते हैं यहाँ पे सिर्फ डे अंडरलाइन होगा अवे को ए दे दिया स्पीकिंग को बी दे दिया अवे डे सेम साउंड रहा है ये ए हो गया और ये क्या हो जाएगा श्रीकिंग तो ये स्पीकिंग और श्रीकिंग सेम साउंड है तो ये बी हो गया अभी क्या आ गया हम यहाँ लिख लेते हैं ए बी ए बी ठीक है अब आते हैं हम सेकेंड वाले स्टैंडा में सो सेकेंड स्टैंडा में इफ वी कैन सी दिस सो यहाँ पे बाय ड्रीमिंग स्काई स्टीमिंग अगेन यहाँ पे आप देख रहे हो बाय तो बाय पहली बार इसमें क्या था वर्ड अवे डे बाय स्काई तो अगेन यहाँ पे यह ए बी ए बी का ही पूरा पैटर्न फॉलो हो रहा है हर जगह अब यहाँ पे बेसिकली अगर आप पूरे पोम को देख के चलोगे तो आप क्या बोलोगे बाय एक नया वर्ड है बाय जो है ना डे के साथ अवे के साथ जा रहा है ना स्पीकिंग के साथ जा रहा है तो आप इसे सी बोलोगे लेकिन स्पीकिंग स्टीमिंग ड्रीमिंग तो ये सी बी हो जाएगा ओके ए बी ए बी सी बी सी बी और उसके बाद यहाँ पे मेक आ जाएगा तो ये हो जाएगा डी नोइंग अगेन सेम टेक नोइंग गोइंग अगेन सेम तो यहाँ पे क्या आ गई आपकी आपका जो स्ट्रक्चर आ गया जो राइमिंग स्कीम आ गई वो हो गया ए बी ए बी सी बी सी बी और डी बी डी बी राइट

सो so, सबसे पहला जो पोइटिक डिवाइस है यहाँ पे हैं poem, यह जो जो है हमारे पास मेटाफोर्स और सिमलीज द टर्म ट्रेन इज यूज इन द पोम ट्रेवल एज ये जो पूरा जो टर्म है यहाँ जो उन्होंने ट्रेन की बात करी है ये एक मेटाफोर है Through this term, the narrator wants to transmit the idea that life is a journey and everyone must take a train or rather decide where life is supposed to go and what they want to achieve from it. Now, this is very important. ये जो वो कह रही है कि नहीं मुझे ट्रेन सुनाई दे रही है मुझे ट्रेन दिखाई दे रही है बेसिकली ट्रेन एक मेटाफोर है जहाँ लाइफ में आपको करना क्या है आपका गोल क्या है आपका एम क्या है यहाँ पे ट्रेन एक कांस्टेंट है जो कि आपके गोल को आपकी एम को रिप्रेजेंट करता है आपका आइडिया एक आइडिया जो होता है दैट लाइफ इज़ अ जर्नी कि लाइफ क्या है एक जर्नी है हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं हम अलग अलग लोगों से बातचीत करते हैं कुछ लोग किसी स्टेशन पर रुक जाते हैं कि कुछ लोग नए स्टेशन पे मिल जाते हैं लेकिन लाइफ तो एक ट्रेन की तरह है ना तो ये पूरी जो पोम है इसमें ट्रेन एक मेटाफोर है इसके बाद आते हैं हम पर्सोनिफिकेशन में पर्सोनिफिकेशन में, में यहाँ पे बोला है बट आई हियर इट्स विसल श्रीकिंग लेकिन मुझे जो उसकी जो सीटी की आवाज़ है चीखती हुई सुनाई देती है ना सीटी चीखती नहीं है हम लिविंग बींग बोलते हैं दैट दे आर श्रीकिंग सो यहां पे विसल जो है उसको पसोनिफाई किया गया है एज एफ इट इज सम काइंड ऑफ ह्यूमन बींग जो श्रीक कर रहा है सो यस वी आर डन विद एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच समझ में आई पोम

मैग्नेट प्लेन्स के प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं बिल्कुल फ्री राइट फ्रॉम किंडर गार्डन टू क्लास ट्वेल्व इंक्लूडिंग एन टी एस सी ओलम्पिया करना क्या है आपको आपको जो जो भी भी क्लास क्लास का का समझना है पहले आप उस क्लास पे क्लिक करो एंड देन यू विल हैव ऑल द सब्जेक्ट्स आपको जो पढ़ना है आप उसके सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे और आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो यहाँ जैसे चैप्टर वाइज पूरे वीडियोस आएंगे और आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा दैट इज एट थैंक यू सो मच आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड अगेन आई एम रिपीटिंग इन केस यू हैव एनी डाउट्स दैन यू कैन राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई एल हेल्प यू विद इट एंड डोंट टैग मी एट स्वाति वी सो दैट इट इज़ वेरी इजी अदरवाइज क्योंकि नोटिफिकेशन आता है तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है आपके क्वेश्चन को रिप्लाई करना ठीक है टेक केयर ऑफ योर सेल्फ डो नॉट फर्गेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टेक केयर बाय